नमस्ते, दिव्यस किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पौवा का चिवड़ा। एक किलो व्हाइट पतला पौवा लेंगे। ये देखिए, ये पौवा बैंड हो रहा है, इसका मतलब इसे धूप की ज़रूरत है। इसे हम कड़क धूप में 2-3 घंटे के लिए रख देंगे। 2-3 घंटे तेज धूप लगने पर पौवा फूल जाता है और कड़क हो जाता है। ये देखिए, अब ये बैंड नहीं हो रहा है, टूट रहा है। 10-12 स्पाइसी ग्रीन मिर्ची के टुकड़े, 20-25 करी पत्ते, 1 बाउल मसाला चना दाल, 1 बाउल सींग, 1 बाउल पतले ड्राई कोकोनट पीसेस, 1/2 कप शुगर पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और हल्दी। सबसे पहले हम कढ़ाई को गर्म करके उसमें ऑयल ले लेते हैं। हमें पहले फास्ट फ्लेम में कच्ची सींग डाल देनी है और फिर फ्लेम को स्लो करके हम इस सींग को अच्छी तरह से भूनेंगे। ये कच्ची सींग फ्राई हो चुकी है, इसे हम बाउल में ले लेते हैं। अब ड्राई कोकोनट को हल्का गुलाबी भूनेंगे, इसे भी हम कच्ची सींग के साथ बाउल में ले लेते हैं। अब स्पाइसी ग्रीन मिर्ची भी हम स्लो फ्लेम में भून लेंगे। अब करी पत्ते भी भूनेंगे और जब तक करी पत्ते कड़क नहीं हो जाए तब तक हम इसे स्लो फ्लेम पर भूनते रहेंगे। करी पत्ते कड़क होना शुरू हो गए हैं। करी पत्ते कड़क हो गए हैं, अब इसमें मैं हल्दी डाल रही हूँ। गरम धूप से सेके हुए ये पतले पौवे हम इसमें डाल देंगे। ये पौवे धूप में काफ़ी कड़क हो चुके हैं। हल्के हाथों से हमें इसे स्लो फ्लेम में हिलाते रहना है। ध्यान रहे, पौवों को एकदम हल्के हाथों से हिलाना है, वरना पौवे सारे टूट जाएंगे। स्वाद अनुसार नमक, शुगर पाउडर, फ्राई सींग, कोकोनट पीसेस और मसाला दाल, ये सारे मसाले डालकर हम फिर हल्के हाथों से इसे मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम हमें स्लो ही रखनी है, ध्यान रहे। हमारा पौवा का चिवड़ा तैयार हो चुका है, आइए सर्विंग करते हैं।